अब विश्राम की ओर है, जरा दोनों हाथ उठा के कह देना हमारे हमारे बनाकर देखो जरा, ये खाली मंदिर में रखने के लिए मूर्ति नहीं है। जिस जिसने रिश्ता बनाया है, सरकार ने वैसा निभाया भी है। हमारे वृंदावन में एक परिवार जो लाला को बेटा मानता है और लाली को अपनी बहू मानता है, चार बेटे चार बहुएं और पांचवा बेटा ठाकुर जी को मानते हैं। एक दिन करवा चौथ का व्रत का दिन आया ना, तो वहां पर कोई चूड़ी बेचने वाली आई, तो घर के जो मुखिया थे पिताजी ने बोल दिया अंदर जाके मेरी सब बहुओं को चूड़ियां पहना दो। चूड़ी पहनाने के लिए गए, जब बाहर आए तो बोले कितना देना है, उसने बिल बता दिया। क्या भाव लगाया वो भी बता दिया। बोले ये क्या, तू तो ज्यादा मांग रही। बोले पांच बहुएं थी, पांचों को चढ़ाई है। बोले मेरी तो चार हैं, चार हैं, पांच के पैसे कैसे लगा सकती है। बहस गई उससे, किसी तरह निपटारा किया। रात को ही स्वप्न में आ गई राधा रानी, क्यों बाबा मुझे भूल गए क्या, मैं भी तो तुम्हारी बहू हूं। ऐसे कई प्रमाण है हमारे भक्तमाल में। एक मैया ने सारी जिंदगी ठाकुर को अपना बेटा माना और कोई रिश्तेदार है ही नहीं। अंत समय आया ना, कोई अग्नि देने के लिए नहीं था। इतनी भीड़ में कोई तय नहीं कर पा रहा कि इस माई को अग्नि कौन दे। तब छोटा सा गोपाल आया और कहने लगा रे सब हटो, अपनी माई को अग्नि मैं दूंगा। तब लोगों ने सहज समझ लिया होगा कोई ब्रज का लाला, लेकिन प्यारे वो ब्रज का लाला कोई और नहीं, स्वयं मेरे बाके बिहारी आए थे अग्नि देने के। हमने अभी इनको समझा ही नहीं है, अभी तो ये केवल या डर के भज लेंगे इसको, या दुनिया पूजा कर रही है हमारे पे भी भगत का नाम लिखा जाए इसीलिए घर में ला के स्थापना कर दी। मैं तो कई जगह जाकर देखती हूँ, भोग मांगते हो इनके लिए तो इतनी सी कटोरी में दूध ले आएंगे और एक रोटी ला के रख देंगे, लो लाला को भोग लगा ले। ऐसे होता है क्या? तूने हृदय से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुराइन के छिलके तक खा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा मैं तो पाषाण था। ये तो अपने ही विश्वास की बात है, धन्य जट ने बुलाया मैं झट आ गया। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार कब
पूछता है कि क्या जात है, चाहे हिंदू हो, सिख हो या हो मुस्लिमा, मुझको रसखान सलवार पहना गया। ये वो ठाकुर है। इसलिए प्यारे, अगर तुम्हारे प्रेम की कोई कदर डाल सकता है तो वो यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। दुनिया भर में अपना ये जीवन लुटा के देख लो एक बार। जब तक जेब में पैसा है तब तक पूछते हैं सब कैसा है, उसके बाद कोई पहचानने से भी इनकार कर देता है। मैंने इतने नजदीक से देखा है दुनिया को। हमारे Yeah.
वृंदावन में आ जाओ, देख लो प्यारे। फिर कहे तू नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, बिलनी का मुझे भोलापन भा गया। हमारे यहाँ एक संत है जिनके प्रवचन रोज यूट्यूब पे आते होंगे, आप देखते होंगे, पूज्य चरण श्री प्रेमानंद जी महाराज। आज 7 साल हो गए दोनों किडनियां फेल हैं, कोई डायलिसिस नहीं है, कोई दवा दारू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस राधा नाम के भरोसे आज 7 साल हो गए और वृंदावन में आज भी रह रहे। उनके पास एक फॉरनर आई, बोली महाराज जी मुझे कैंसर है, आखिरी स्टेज पर है। तो बोले फिर जाके क्या करेगी, मरना ही है तो यही मर जाना। एक कमरे में बिठा दिया, कोई दवा दारू नहीं। बोले तुझे लेने बिहारी जी आएंगे, 1 साल हो गया कमरे में बंद है, बिहारी जी का इंतजार कर रही है, कुछ नहीं। नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, ये छोटा सा बच्चा बैठा है। अभी मैं जब आ रही थी संकीर्तन में तो मेरी ये बिटिया भी पास में थी, मुझे हिचकी आई। इसको पता है कि जब जब मुझे हिचकी आती है मैं यही कहती हूँ श्री जी याद कर रही हैं। तो आज मैंने नहीं कहा, मेरे पास बैठ के कहता है माँ आपको बरसाने वाली याद कर रही है। और हो गया 1 हफ्ता मुझे बरसाने से आए। इतने में ये बिटिया बैठी है फोन पे फेसबुक देख रही थी, हमें तो ये सब आता नहीं है। बोले इसकी बात खत्म होते ही सीधा एक कोई बच्चा बरसाने में लाइव चला रहा था फेसबुक और सीधा ठाकुर जी श्री जी सामने आ गए। लो मैया तुम्हें याद कर रहे थे श्री जी सामने। नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भाया। तुम्हें तो तसल्ली हो जाती है कि 2-3 महीने में वृंदावन एक बार चले जाओ। अभी हम अयोध्या गए थे तो एक संत मिले, कहने लगे वृंदावन है ही क्या, बॉम्बे बन के रह गया। दिल्ली वाले तो छुट्टी बिताने आते हैं यहाँ, कि छुट्टी है चलो चले जाएं, कोई पिकनिक मनाने आ रहा है। लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जो अपने यार से मिलने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए वो यार आज भी 550 साल से एक पैर पे खड़ा है। प्यारे तू आ तो सही, मैं तेरे लिए तैयार। इन लोगों को देख के मुझे बात याद आ रही है जिनकी कान पे जू नहीं रेंग रही, सिर्फ लगे हैं अपनी दुनियादारी निभाने में। एक बार माँ यशोदा कन्हैया ने मटकी फोड़ी, पीछे पीछे भाग रही है, कन्हैया हाथ में नहीं, लाला मेरे हाथ आ जा, ना मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारी की छड़ी थे वो है, लाला एक बार मेरे हाथ आ जा। मैया थक गई, बैठ गई, रोने लगी, कन्हैया मेरे हाथ आ जा, ना मैया मैं ना आऊं। तब मनसुखा श्री दामा पहुंचे, नारद जी पहुंचे, जिस गोपाल को कोई नहीं बांधे तुम बांधे हो तो डोरी। नारद जी ने कहा पकड़ना चाहती हो एक काम करो, मैं तुम्हें योजना बताता हूं। कान में बोल दिया। अब मैया कह रही लाला कन्हैया तुझे तेरे त्रेता के भक्तों की कसम मेरे हाथ आ जा। कन्हैया नहीं आए। लाला तुझे तेरे सतयुग के भक्तों की कसम मेरे हाथ आ जा। बोले मैया नहीं आऊंगा। लाला तुझे तेरे द्वापर के भक्तों की कसम मेरे हाथ आ जा। कन्हैया कहने लगे नहीं आऊंगा। कन्हैया देख तुझे तेरे कलयुग के भक्तों की कसम मेरे हाथ आ जा। कन्हैया दोनों हाथ लिए वापिस आ गए। लाला ये क्या लीला है, त्रेता द्वापर सतयुग किसी के भक्तों के हाथ कसम पे नहीं आया, कलयुग पे आ गया। बोले मैया एक बात बताऊं, सतयुग त्रेता द्वापर में तो मुझे मेरे भक्त बहुत होंगे, कलयुग में मेरे को चाहने वाला होगा ही कौन? और जो 1-2 भक्त मेरे चाहने वाले होंगे तूने उसकी भी कसम दे दी। तुझे पता है कि मैं सब रह सकता हूं लेकिन अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकता। कलयुग में होंगे की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अभी कोई घाटा पड़ जाए तो सबसे पहले बिहारी जी याद आएंगे। अभी कोई अस्पताल में गंभीर मुद्रा में किसी बीमारी में पड़ जाए सबसे पहले बरसाना याद आएगा। लेकिन जब सब कुछ ठीक है तो हमें जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कलयुग में मेरे चाहने वाले होंगे ही नहीं, होंगे तो 2-4 होंगे तो उसकी भी कसम दे रही है। हमारे दो ही रिश्ते हमारे दो ही रिश्ते हमारे।
में नचना शाम देना आज मैनू दोनों हाथ उठा के ठुमका लगाते हुए कहिए होनी में नचना शाम।